सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज देवी द्रौपदी रोती रोती जमीन में गिर जाती है। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को एक साथ मार दिया। पांडव आए, द्रौपदी से पूछा, देवी क्या हो गया, ये किसने किया, ये पाप कार्य किसने किया। द्रौपदी बोली, मुझे नहीं पता, मैं अपने बच्चों को सुला करके अपने कक्ष में गई, लेकिन सुबह आकर के मैंने देखा बच्चों का शरीर तो है पर सिर नहीं। अर्जुन बोले, चिंता मत करो उस पापी का, मैं अभी जाकर के वध करूंगा, और देवी वचन देता हूं आपके सामने ला करके उसका सिर काटूंगा। कृष्ण को लेकर के गए। उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ गए। अश्वत्थामा भाग रहा था, उसको पकड़ के रथ में डाले। भगवान बोले, अर्जुन इस पापी को मार दो, ये मृत्यु के लायक है, इसको मत छोड़ो, जाने मत दो। अर्जुन बोले, द्रौपदी के सामने मारूंगा। जब अश्वत्थामा को लेके आए, द्रौपदी बोली, इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इसको मत मारिए। देखिए महाभारत की वो स्त्री जिसका हृदय इतना उदार है, महान विशाल मन है, जिस पापी ने अपने बच्चों का हत्या किया, ऐसे पापी के ऊपर भी करुणा का भाव है। इसे जाने दो, मत मारो, क्योंकि अगर आप इसे मारोगे ना, तो जो दर्द आज मैं सह रही हूं, वो दर्द इनको भी, इनके माता को भी होगा। बच्चों को, जब बच्चे माता के सामने मृत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो वो माँ किस प्रकार तड़पती है। अश्वत्थामा के माँ भी मेरी तरह तड़पेंगे, इसलिए मत मारो। एक तो ये गुरु पुत्र है इसलिए मत मारो, और ये ब्राह्मण है इसलिए मत मारो।